हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी रिसेंटली मैंने यहाँ पर दो वीडियो पोस्ट करी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, चार ऐसी कंपनी जो आपको आने वाले वीक में, मतलब एक सप्ताह के अंदर अंदर अच्छा खासा पैसा कमा के दे सकती है। दूसरी ये अडानी टोटल गैस से रिलेटेड जो कल वीडियो बनाई थी, ओके, उसमें आपने देखा है कि काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी कि वो क्वेश्चंस पूछ रहे थे, उन सभी के क्वेश्चंस का इसमें आंसर है। एज वेल एज़ बात कर रहे हैं कि शेयर खरीदते ही साथ गिर जाते हैं आप लोगों के, या फिर आप बेचते हैं तो ऊपर भाग जाते हैं, क्यों, क्या रीज़न है, तो उस चीज़ को आपको, आप अगर इस वीडियो को देखोगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स एक जहाँ तक है ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दिग्गज आईटी शेयर से रिलेटेड जो कि टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, ओके, एज वेल एज टाटा इलेक्सी, और अगर बात करें यहाँ SCL, टेक महिंद्रा, इन सभी में सबसे बेहतरीन सीम्स टू बी वेरी गुड, मतलब इन सभी के बीच में अगर बात की जाए सबसे अच्छी प्रतीत होती है और सबसे अच्छी लगती है बाय फंडामेंटल्स, बाय बिजनेस एनालिसिस, बाय टेक्निकल। और बात करें इसमें रिटर्न की, तो रिटर्न के मामले में तो सबकी बाप है, इस तरीके की कंपनियाँ, उसी से रिलेटेड बातें करेंगे। तब बिफोर दैट हम वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे। और हमें एक फैमिली क्रिएट करनी है एज यूजल, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, दूसरों लोगों को भी मार्केट में लाए, ताकि वो भी वीडियो को देख के ओके मार्केट के बारे में समझे और अपना पैसा FD की जगह, बैंक में रखने की जगह, यहाँ से अच्छा खासा पैसा ज़्यादा कमा सके। तो आइए वीडियो की तरफ। तो जिस शेयर से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, अगर मैं उसके रिटर्न दिखाना चाहूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वन डे में 1.46% की जंप, ओके, आज के दिन में, और इससे भी ज़्यादा थी, बट बीच में यहाँ पर गिर गया। अगर बात करें 1 वीक 6%, 1 मंथ 12%, 3 मंथ 7%, 6 मंथ 49%, अगर बात करें 1 साल की तो 213% के रिटर्न, 2 साल में 163%, कंपनी को 5 साल भी कंप्लीट नहीं हुए और 4 साल में 517% के रिटर्न, और बात करें यहाँ पर कंपनी के 3 साल की तो 213% के रिटर्न। तो ऐसा नहीं है कि मैं ये पहली बार वीडियो बना रहा हूँ, इस कंपनी से हमने काफ़ी बार पहले भी वीडियो बातें करी है और हमेशा मैंने इस कंपनी को सजेस्ट किया है, और अभी भी जब ये कंपनी गिर रही थी तो मैं हमेशा बाय ऑन डिप्स करने का आपको कह रहा था। क्यों कह रहा था? क्योंकि मुझे पता था ये कंपनी ऊपर आएगी, और वैसा ही हुआ, ये कंपनी ऊपर आई और अच्छा खासा, अगर बात करें एक महीने से ही मैं सुझा रहा हूँ, तो 12% 13% के रिटर्न आपको मिल रहे हैं, जो कि आप सभी को मुबारक हो। बिफोर दैट हम वीडियो में आगे बढ़े, तो आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो को लाइक करें, एज वेल एज नीचे डिस्क्रिप्शन में दो लिंक मिलेंगे, अगर आपका डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो यहाँ पर क्लिक करें, फ्री में अकाउंट ओपन हो जाएगा, आपका कोई चार्ज नहीं होगा। और श्री राम जी का अयोध्या में मंदिर बन रहा है, तो यहाँ पर क्लिक करें, इनकी वेबसाइट पे आपको ले जाएगा, तो आप देख लीजिए, यहाँ पर आप श्रद्धा अनुसार आप दान दे सकते हो, और दान देने से पैसा हमेशा बढ़ता है, हमेशा याद रखिएगा। तो जिस शेयर से रिलेटेड हम बातें कर रहे हैं, रिटर्न्स मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिए हैं। अगर बात करें वन डे का चार्ट पैटर्न, लगभग 55 रुपये की यहाँ पर जंप है, 5 डेज का चार्ट पैटर्न देख लीजिए, ओके, मैं इसी लेवल से आपको कह रहा था खरीद लीजिए, मैं आपको एक लेवल यहाँ पर अगर बात करें 3800 के आसपास था, तब भी मैं आपसे कह रहा था इस शेयर को खरीदिए, जितना खरीदोगे अच्छा खासा रिटर्न आपको मिलता हुआ नजर आएगा, 14% के रिटर्न एक महीने के अंदर अंदर, और 6 महीने की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इससे पहले भी हमने काफ़ी बार इस पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड, इस पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड बातें करी है, तो अच्छा खासा चार्ट पैटर्न है। 1 साल का चार्ट पैटर्न देख लीजिए, पॉजिटिव, 5 ईयर्स का देख लीजिए मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, जो कि इसका है 4 साल। 2016 में कंपनी आती हुई नजर आई थी 700 रुपये की, कंसोलिडेट किया, फिर उसके बाद अच्छा खासा जंप, फिर उस कंसोलिडेट, फिर उसके बाद यहाँ पर ये एक IT कंपनी है, जैसे कि ऑलरेडी बता चुका हूँ, और उसी वजह से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि IT कंपनी में रैली थी और इस वजह से इस कंपनी में भी रैली थी। और ये कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़े ग्रुप से ये कंपनी रिलेट करती है, इस वजह से ये कंपनी का अगर बात करें, जितनी भी कंपनी है इस कंपनी से, उस कंपनी से की सब्सिडरी सारी भाग रही है, सारे अच्छे खासे रिटर्न। अगर बात करें यहाँ पर आज के दिन की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 26% की, लगभग 1 लाख शेयर उठाए गए हैं। 52 वीक लो की बात करें, 8 अप्रैल को 1335 का था, 52 वीक हाई की बात करें 15 जैन को ये 1483 रुपये का था, जो कि अभी लगभग 101 रुपये पार नीचे चल रहे हैं। लोगों ने पहचान लिया होगा कि इस कंपनी से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। अगर बात करें प्रमोटर की होल्डिंग सबसे अच्छी 75%, बाकी FIIs DIIs की होल्डिंग है, जो हम आगे भी देखेंगे। और अगर बात करें यहाँ पर डिविडेंड की, तो कंपनी ऐसा नहीं है कि डिविडेंड नहीं देती, कंपनी 2018 में 12 रुपये का, 12.5 का, 2019 में 2 बार डिविडेंड दिया था 15.5 12.5 रुपये का, 2020 में 2 बार डिविडेंड दे दिया 15.5 और 15, तो डिविडेंड का रेशो भी
देखिए बढ़ता जा रहा है, और अगर बात करें यहाँ पर प्रमोटर्स की, कोई शेयर गिर भी है तो कोई भी शेयर गिर भी नहीं है। तो जिस कंपनी से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं वो कंपनी है LTI, लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक। लार्सन एंड टुब्रो बहुत बड़ा ग्रुप है ऑलरेडी, आपको पता है। तो इसकी IT कंपनी है और छोटी मोटी कंपनी नहीं है, लार्ज कैप कंपनी है, आपको शायद पता है या नहीं पता है। तो अगर बात करें यहाँ पर लार्सन एंड टुब्रो की, देख सकते हैं ऑफर एक्सटेंसिव रेंज ऑफ IT सर्विस लाइक एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ओके एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, मेंटेनेंस एंड आउटसोर्सिंग का भी इनका काम है। ग्रुप आपको पता ही अच्छा खासा है, डिजिटल सॉल्यूशन में काम करती है, प्लेटफॉर्म बेस्ड ऑन सॉल्यूशन ऑफ द क्लाइंट, मतलब अपने क्लाइंट को ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है एक तरीके से, ये समझिए। अगर मार्केट कैपिटल की बात करें लगभग 76,000 करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैपिटल नजर आ रहा है, ओके। और अब बात करें ROCE की, तो लगभग 40% के ROCE पे कंपनी ट्रेड करती है। तो मतलब इस हिसाब से चले, और आपने 10 लाख रुपये अगर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए तो 20 साल में 100 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करेंगे ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने पर। डेट इक्विटी रेशियो की बात करें तो ना के बराबर, मतलब 13% के आसपास का यहाँ पर डेट हमें नजर आता है, और कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। और अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं इसके रिजल्ट, तो देखिए कभी भी जब किसी भी कंपनी में कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस दे रही हो ना, तो उस कंपनी में इन्वेस्ट हमेशा करिए, उस कंपनी में आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलता हुआ नजर आएगा। सेल्स देखते हैं, 2018 मार्च में क्वार्टरली रिजल्ट है, 1883 करोड़ की सेल्स थी, जो कि अभी कंसिस्टेंटली बढ़ते बढ़ते लगभग 3000 करोड़ की सेल्स बढ़ गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 267 करोड़ रुपये का प्रॉफिट, आज की डेट में 671 करोड़ का प्रॉफिट है, ओके। और अगर यहाँ बात करें यहाँ पर 321 करोड़ का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट की बात हो रही है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 494 करोड़ रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट होता है वो नजर आ रहा है। यहाँ पर थोड़ा बहुत कर्जा है कंपनी के ऊपर, उसी वजह से यहाँ पर 18 करोड़ रुपए का यहाँ पर इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है यहाँ पर हर क्वार्टर में, आप देख सकते हैं। बट एक बार यहाँ पर ये क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर अगर इन्हें कर्जा अपना दे दिया तो यहाँ समझ सकते हैं यहाँ पर प्रॉफिट में और जंप आपको दिखाई देगी। यहाँ पर ईयरली बेसिस पे 10 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1951 करोड़ का प्रॉफिट 11000 करोड़ के प्रॉफिट में चेंज हो गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरेस्ट कितना, 73 करोड़ का इंटरेस्ट, फिर 72 करोड़ का इंटरेस्ट, और इन्होंने लोन अभी लिया है 2020 में यहाँ पर लेते हुए दिखाई दिया है। प्रॉफिट भी देख सकते हैं 265 करोड़ का प्रॉफिट आज की डेट में 10 साल में, लगभग बात करें तो 9 गुना हो चुका है, ओके 1737 करोड़ रुपए का। अगर 9 गुना परफॉर्मेंस करके दिखा रही है 10 साल में कंपनी, तो आप समझ सकते हैं कितनी बेहतरीन कंपनी होगी। रिजर्व्स की बात करें तो 6000 करोड़ के रिजर्व्स हैं। बोरिंग की बात करें, मैंने आपको बताया अभी सितंबर में इन्होंने यहाँ पर लिया है 799, ओके यहाँ पर अभी बोरिंग है। अगर बात करें यहाँ पर और भी डेटा अपडेट नहीं हुआ है, अपडेट हो जाएगा इस क्वार्टर में, तो हम और वीडियो के रिलेटेड से बातें करेंगे। इन्वेस्टमेंट की बात करें 3616 करोड़ रुपए का कंपनी का इन्वेस्टमेंट है, और कैश की बात करें कंपनी का 377 करोड़ रुपए का कैश भी है, अच्छे खासा कैश फ्लो है। ROCE काफ़ी बेहतरीन है, जो कि अगर बात करें यहाँ पर पिछले 10 साल में ROCE कभी भी 40 से मतलब 39 और 40 के आसपास ही रही है, बल्कि ज़्यादा ही रही है, कम कभी नहीं हुई। एक यहाँ पर 2011 में कम हुई थी जब कंपनी की इनिशियल स्टेज थी, या फिर अभी थोड़ी बहुत कम होती हुई नजर आई है, बट कंपनी ने कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस दिखाई है। प्रमोटर की होल्डिंग ऑलरेडी बता चुका हूँ 74% की होल्डिंग है। और अगर बात करें FIIs, तो FIIs ने अपनी हिस्सेदारी देखिए हमेशा बढ़ाई है, DIIs ने अपनी हिस्सेदारी थोड़ी सी कम करी है, और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक की हिस्सेदारी कितनी है, 7% की हिस्सेदारी है, मतलब अगर 100 में से 7% निकाल दिया जाए तो 92% की हिस्सेदारी कंपनी में अच्छे प्रमोटर्स FIIs और DIIs के पास है। तो आपको बताना चाहता हूँ जब इस तरह की कंपनी परफॉर्मेंस देना शुरू करती है तो अच्छा खासा रिटर्न भी देती है, और ये शेयर तो मैं आपको काफ़ी टाइम से रिकमेंड भी कर रहा हूँ, और टेक्निकल के बेस पे भी काफ़ी अच्छी ये कंपनी नज़र आ रही है। अगर हम यहाँ पर बात करें हेड एंड शोल्डर टाइप का यहाँ पर पैटर्न बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है, अगर यहाँ पर आप देखते हैं ये इसका हेड बन रहा है, इसके शोल्डर बन रहे हैं, फिर इसके बाद इसका हेड बन रहा है, और यहाँ पर बात करें फिर इसका शोल्डर, और इस तरीके के जब चार्ट पैटर्न बनता है ना तो कंपनी अच्छा खासा निकलती हुई नज़र आती है। तो इसलिए बताना चाहता हूँ यहाँ पर आप इस चीज़ को देख सकते हैं, और यहाँ पर ये कंपनी अच्छा खासा ऊपर अगर बात की जाए तो 3700 से 3800% के मतलब अगर बात की जाए ये कंपनी 4700 से 4800 रुपये तक जाने में पूरा दमखम रखती है कि इतना कंपनी जा सकती है। तो इसलिए बताना चाहता हूँ आप यहाँ पर इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, बट कोई
बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, सिंपली नॉलेजेबल वीडियो है। अगर वीडियो और कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डेफिनेटली बात कर लीजिए। और अगर बात करूँ तो ऊपर अभी भी 14% के अभी भी चांसेस है यहाँ पर इस कंपनी को ऊपर जाने में, तो इसलिए आप इसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। जब जब इसके रिजल्ट आएंगे तो अच्छा खासा ये परफॉर्मेंस देती हुई आपको नजर आएगी। तो यही इसी से रिलेटेड ये वीडियो थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डेफिनेटली पूछ लीजिएगा। और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।